टू माई यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम देखेंगे आपकी क्लास टू है, क्लास इलेवेंथ जो है आपकी, उसका होम साइंस का चैप्टर नंबर 11 देखेंगे आज हम, जिसका नाम है उत्तरजीवित वृद्धि तथा विकास। तो सबसे पहले हमें जो समझने की बात है वो इन तीनों को ही हमें समझना है, यानी कि पहले हमें समझना होगा उत्तरजीवित, फिर हमें वृद्धि के बारे में समझना होगा और उसके बाद हमें विकास के बारे में समझना होगा। और पहले ही बता देती हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी ईजी है और समझने में काफ़ी मज़ा भी आने वाला है, अपनी स्टोरी से रिलेट करते हुए चलते रहना, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बतानी है, ये बतानी है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आप देखना कि अधिकतर क्वेश्चन जो होंगे वो इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा जो उत्तरजीवित है जिसको हम उत्तरजीविता भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है। उत्तरजीविता शब्द का अर्थ है जीवन संबंधी अनिवार्य कार्य करते रहना, या अन्य शब्दों में कहें तो जीवित बने रहना, यानी कि किसी भी स्थिति में जीवित बने रहने को हम उत्तरजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरजीवित कहते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें समझना है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, देखो इसमें ना लाइन टू लाइन समझाया हुआ है। और साथ ही साथ बता दूं कि आपकी जो होम साइंस की बुक है, जैसा उसमें लिखा हुआ है एज इट इज़, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को पढ़ने के देखने के बाद एंड में से पढ़ने के बाद अगर आप जो बुक है अगर उसे रीड नहीं करते हैं एंड डायरेक्टली अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपके लिए वो भी काफ़ी होगा। लेकिन अगर जिसको 90 से अबव मार्क्स चाहिए, यानी कि 90 प्लस या फिर 95% से भी ज़्यादा मार्क्स चाहिए, उसको फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें सही तत्वों को ग्रहण करना आवश्यक होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो जीवन है, अगर हमें जीवित रहना है, हमें सर्वाइवल करना है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको हमें ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अच्छा भोजन खाना सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, अच्छा भोजन हो, खाने में स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी हो। क्योंकि हमारे जो जीवन है उसमें क्या होता है, देखो काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, वो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो हमें रोग पहुंचा सकते हैं, यानी कि हमें बीमार कर सकते हैं। तो अगर हम पौष्टिक खाना खाएंगे तो उससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी बनी रहेगी। जैसा कि हमने कोविड-19 के सिचुएशन में देखा, आप सभी ने देखा, कहते थे कि इम्यूनिटी बूस्टर पीना चाहिए या फिर कुछ भी घर पे बनाकर, जो टी वगैरह पीते थे सभी लोग, इनफैक्ट जब लॉकडाउन लगा था तो कुछ ज़्यादा ही इसका ट्रेंड चल गया था, है ना। तो उस टाइम पे क्या था कि हम सभी को पौष्टिक खाना खाना था, हम बाहर की चीज़ों को अवॉइड करते थे, रहने देते थे कि बाहर का चीज़ अभी हमें नहीं खाना है। तो सेम थिंग ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है, सेम थिंग यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देती हुई चलूँगी तो समझ में ईजी आएगा, ठीक है, ईजी होगा समझने में, जिसमें हमें किसी प्रकार का रोग न हो और हमें सभी कार्यों को लगातार करने में सक्षम हो। यानी कि अगर हम पौष्टिक खाना खाएंगे तो क्या होगा, हमें कोई भी प्रकार का रोग नहीं लगेगा, साथ ही साथ हम कोई भी जो कार्य है सभी कार्यों को करने में सक्षम होंगे। यानी कि हमारे अंदर उतनी एनर्जी होगी, उतनी पावर होगी कि हम अपने डेली रूटीन का काम कर सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, बच्चे की सही से देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। यूनिफेस की एक रिपोर्ट ने के अनुसार क्या हुआ, देखो सबसे पहली बात हमें ये समझना है, जब हम जीवित रह रहे हैं हमें अच्छा भोजन चाहिए, हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए जिससे कि हमें कोई बीमारी ना लगे, सेम ऐसे ही बच्चों के साथ होता है। लेकिन इसमें फ़र्क बस इतना आता है कि बच्चों की देखभाल जो है वो उनके बड़ों को करनी होती है, उनके परिवार वालों को करनी होती है, क्योंकि वो अपनी देखरेख खुद नहीं कर सकते, खुद वो खाना नहीं खा सकते, उनको नहीं पता कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी उनके पेरेंट्स को होनी चाहिए जो कि उनको खाना खिला रहे हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बच्चों की सही तरीके से देखभाल करना, और ये काफ़ी आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि बच्चों को जल्दी से क्या होता है, बीमारी जो है वो जल्दी से पकड़ जाती है। अब एक यूनिफेस जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, 92 लाख जीवित पैदा हुए बच्चे अपने 5 वर्ष पूर्ण करने से पहले ही मर जाते हैं। इनमें बताया कि जो 92 लाख हैं, 92 लाख जो बच्चे जीवित पैदा होते हैं उसके बाद जब वो 5 वर्ष के होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है,
ठीक है, और पूरे विश्व में 3 लाख बच्चे हमारे प्रदेश दक्षिणी एशिया से हैं, यानी कि जो पूरा का पूरा विश्व है, वर्ल्ड है, पूरी पूरी जो दुनिया है, एक तरीके से पूरा जो अर्थ है, उसमें जितने भी हमारे जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वो आते हैं, उनमें से जो 3 लाख बच्चे हैं वो कहाँ के हैं, वो हमारे दक्षिणी एशिया के हैं। और आप सभी को पता होगा दक्षिणी एशिया में हमारा जो भारत है वो भी आता है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ और भी आती हैं, बट भारत भी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया बच्चों को होने वाले निम्न रोग, जैसे तोबितिक काली खांसी, जैसे कि हम कहते हैं कि उनको खांसी हो गई है तो डॉक्टर कहते हैं, या फिर किसी को जो थूक है, जो हम थूकते हैं वो ब्लैक ब्लैक कलर का आने लगता है, तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम होती है ये बेसिकली कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, वो भी इस वजह से कि उनकी अच्छे से देखरेख या देखभाल नहीं हो रही है। जैसे कि पोलियो हो गया या फिर टेटनेस आदि, तो इन सभी के पोलियो की दवाई क्यों पिलानी ज़रूरी होती है, ताकि बच्चे को उसकी बीमारी ना लग सके, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चों की मृत्यु का कारण बचपन में होने वाले रोगों के साथ साथ कुपोषण भी माना गया है, यानी कि एक तो पौष्टिक खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है और खिलाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अगर वो पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं तो वो तो उनकी मृत्यु होती ही है, बट इसके साथ साथ एक और जो रीज़न है वो यहाँ से निकल कर आता है, कुपोषण, यानी कि काफ़ी बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार होते हैं। अब यहाँ से कुपोषण का अर्थ खाली ये नहीं है कि जो कुपोषण है वो गरीब परिवार वाले बच्चे ही कुपोषण से ग्रस्त होते हैं, नहीं, जो अमीर परिवार के बच्चे होते हैं वो भी कुपोषण से ग्रस्त हो सकते हैं। यानी कि कुपोषण में किसी को सूखने का रोग लग जाता है, किसी को ऐसा होता है कि उसकी गर्दन जो है वो बढ़ने लगती है, किसी का जो पेट है खाली वो फूलने लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, अभी क्लास 11th में आपको छोटा छोटा समझना है कि कुपोषण मेनली होता क्या है। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा कि अमीर परिवार के बच्चे को भी कुपोषण जो है वो उसका शिकार हो सकता है, लेकिन आप सभी कहेंगे कि कैसे हो सकता है, तो देखो ये ज़रूरी नहीं है कि अमीर परिवार वालों के पास पैसा है, खाने को भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कि वो देखरेख ना करें बच्चे की, वो बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली उसको कुपोषण से वो ग्रस्त हो जाएगा। ऐसे ही जो गरीब परिवार है उसको तो होना ही है, क्योंकि उसके पास खाने खिलाने के लिए इतना पैसा नहीं है, वो भी पौष्टिक खाना खिलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया पौष्टिक खाने के साथ साथ भी काफ़ी चीज़ें होती है, जिसकी स्वस्थ जल, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली पौष्टिक खाना खिलाने से बात बन जाएगी, नहीं, अगर हम बच्चे को खराब पानी पिलाते हैं तो उससे भी उसको बीमारी हो सकती है, ठीक है। फिर है साफ़ सफाई, बच्चे के आसपास साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी होती है, अधिकतर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो वहीं पे पनपते हैं जहाँ पे गंदगी होती है, ठीक है। उसके बाद है किसी भी व्यक्ति की वृद्धि विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो वृद्धि है वो क्या है, वो विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। तो जो वृद्धि वर्ड यहाँ से हमने देखा और विकास भी हमने देखा, तो अभी हमें इन दोनों को समझना है, और इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, और कहूँ तो वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, और इससे कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि वृद्धि और विकास के किन्हीं दो जो डिफरेंस है उनको स्पष्ट करो, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है शिक्षा अपने आप में सही वृद्धि विकास के लिए एक बहुत आवश्यक है, यानी कि अगर हमें शिक्षक अगर हम एक शिक्षित व्यक्ति हैं तो हम वृद्धि और विकास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि किस तरीके का भोजन खिलाना चाहिए। तो शिक्षा जो है वो अपने आप में ही क्या है, वृद्धि और विकास के लिए एक बहुत आवश्यक जो चीज़ है वो मानी गई है। अब उसके बाद हम समझेंगे वृद्धि तथा विकास के बारे में, वृद्धि और विकास आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले बात करूँगी वृद्धि की, काफ़ी इजी है। वृद्धि यानी कि जैसे कि आप सभी ने देखा है, जब बच्चा पैदा होता है यानी कि जन्म लेता है, उसके जन्म के बाद धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, तो हम सभी कहते हैं कि हाँ अब ये 2 साल का हो गया, यानी कि जब बच्चा 1 महीने का था, 1 मंथ का था, एंड वो जब 2 ईयर्स का हो गया यानी कि 2 साल का हो गया, तो हम आसानी से बच्चे को देखकर बता सकते हैं कि हाँ इसकी हाइट 2 साल के बच्चे जितनी है, या फिर इसका जो भार है वो 2 साल के बच्चे जितना है। लेकिन अगर उसके भार में कमी आ जाती है, यानी कि वो अंडरवेट होता है, इसका मतलब वो कुपोषण का शिकार है, ठीक है। तो ये डॉक्टर्स भी चेक करते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तभी उसका वेट जो है वो नापा जाता है, और कम से कम उसका वेट कितना आना चाहिए, 2.5 किलो से 3 किलो के बीच उसका वेट जो है उसको प्रॉपर माना जाता है। अगर उससे कम है तो वो अंडरवेट होता है, यानी कि बहुत ही कम है, और अगर उससे ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फिर
अब वृद्धि और विकास के बारे में डिफरेंस से पहले हमें विकास भी समझना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको मोटे मोटे तौर पर पढ़ा रही हूँ कि वृद्धि और विकास आखिरकार होता क्या है, अभी इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। अब विकास, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि वृद्धि एक एंड में रुक जाती है। जैसे कि अब हम कहें कि जैसे कोई सेवन्थ क्लास में बच्चा है, हम कहेंगे कि उसकी हाइट जो है अभी वो छोटी है, लेकिन देखना जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि जब वो किशोर अवस्था में आएगा, टीनेजर होगा, जब उसकी जो हाइट है वो बढ़ेगी और एकदम से बढ़ेगी। सभी ऐसे बोलते हैं, या फिर आपने कभी सुना होगा या फिर आपके साथ भी कभी हुआ होगा, पहले बचपन में आप छोटे होंगे तो फिर आपके जो रिलेटिव्स होंगे वो बोलते होंगे कि देखना अभी ये ना बढ़ जाएगा, अभी ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन देखना धीरे धीरे इसकी हाइट जो है वो अच्छी चली जाएगी। लेकिन हाइट जाने की भी एक एज लिमिट होती है, ऐसा तो नहीं है कि 60 साल की उम्र में किसी व्यक्ति की हाइट जो है वो और बढ़ने लग जाएगी, नहीं। उसकी एज लिमिट अगर कहूँ वैसे मेनली ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमने देखा है कि जो लड़कियाँ कम से कम 20 साल तक उनकी हाइट जो है प्रॉपरली बढ़ जाती है। 20 के बाद मेरे ख्याल से मुश्किल से 1-2 इंच बढ़ती होगी, ज़्यादा नहीं। ऐसे ही जो लड़के होते हैं उनके भी 20 से 25 साल के बीच में बढ़ जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। 20 से 25 का मतलब ये नहीं है कि पहले बढ़ेगी नहीं, पहले भी बढ़ेगी, बट होता है कि इतने तक बढ़ेगी उसके बाद नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे ही ये तो हुआ वृद्धि, ऐसे ही भार होता है, लेकिन भार जो है वो घटता बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि भार एक प्रॉपर है, फिक्स है, जिसकी हाइट प्रॉपर होती है। किसी की हाइट 5 फुट 5 इंच की होती है तो हम कहते हैं कि हाँ अब इसकी इतनी हो गई, अब इससे 1-2 इंच ऊपर चली जाएगी वरना इतना ही रहेगा, ठीक है, एज के अकॉर्डिंगली। लेकिन भार जो है वो तो ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहता है। ऐसे ही जो हमारा विकास है, विकास क्या होता है इसको हम कभी नाप नहीं सकते, वृद्धि को हम नाप सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइट 5 फुट 5 इंच तो उसको मैंने नाप लिया। वेट अगर 50 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो है, उसको भी हम माप सकते हैं। लेकिन विकास जो है, विकास को हम कभी माप नहीं सकते हैं। उसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि उसको हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तब हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कितना विकास हुआ है। लेकिन उसका हम एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं माप सकते कि कितने रेट तक हुआ है या फिर कितना हुआ है ना। तो अब हमें पढ़ना है वृद्धि का संबंध आकार या परिणाम से है, यानी कि वृद्धि का संबंध किससे है। हमने कहा हाइट एंड भार, यानी कि वेट से, तो आकार हो गया इसमें। साथ ही साथ किसी भी चीज़ आकार में बढ़ने की को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जब वो आकार में बढ़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। इसको मापा भी जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा इसको मापा जा सकता है। जैसे किसी बच्चे का वज़न अपना आपने नापा या लंबाई को मापना, ठीक है, बच्चे के वज़न को नापना या फिर लंबाई को मापने को हम वृद्धि का एग्जाम्पल कह सकते हैं। अगर आप इसको क्वेश्चन पेपर में आंसर में लिख के आते हैं तो मैडम आपको अच्छे नंबर दे देंगी, ठीक है। उसके बाद है विकास। विकास अब हमें समझना है, जैसे कि मैंने आपको बताया विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास वही, दूसरी तरफ विकास का सीधा संबंध गुणवत्ता से है। जैसे विभिन्न अंगों का कार्य करना विकास कहलाता है, यानी कि हमारा माइंड कितना शार्प है, ठीक है, हम इस एज तक कितना समझ सकते हैं। जैसे कि हम इमोशनल कितने हैं, यानी कि एक छोटा बच्चा होता है वो इमोशनल नहीं होता, उसके अंदर जो इमोशंस हैं वो इतने नहीं होते जितने कि बड़े के अंदर देखे जाते हैं। यानी कि उसको नहीं पता सुख दुख क्या होता है, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको पता है कि सुख दुख क्या है, उसको किस टाइम पर कैसा रिएक्ट करना है, उस बड़े व्यक्ति को ये भी पता है। लेकिन बच्चे को नहीं पता, उसको बस रोना आता है जब उसको भूख लगती है, ठीक है। उसके बाद है वृद्धि केवल वजन या लंबाई का बढ़ना ही नहीं बल्कि हमारे आंतरिक अंगों का आकार भी बढ़ना कहलाता है। यानी कि वृद्धि को हम केवल ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारा वजन या फिर हमारी जो लंबाई है वो बढ़ेगी या फिर जो आकार है उसको हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। हमारे जो आंतरिक अंग हैं, यानी कि जो अंदर के हमारे जो स्ट्रक्चर हैं, अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका भी आकार जो है वो इंक्रीज होता है वृद्धि में, बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर है विकास। विकास गुणों से संबंध रखता है। जैसे एक बच्चा सबसे पहले सर उठाना फिर दाएं बाएं करवटें लेना, यानी कि हमने देख रखा है कि जब एक महीने का बच्चा होता है तो हम कहते हैं कि अभी ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, कभी ऑब्जर्व करना, और वो बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि मान लो 5 महीने का हो गया तो वो सरकना स्टार्ट कर देता है पीछे की तरफ, है ना, पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा सरकता रहता है। फिर उसके बाद वो चलना भी स्टार्ट करता है, लेकिन उससे पहले वो अपने सिर को भी हिलाना डिलाना सीख जाता है कि कहाँ ऐसे देखता रहता है चारों तरफ, फिर अपनी गर्दन को ऐसे घुमाता है एक तरीके से, ठीक है।
फिर उसके बाद इन्होंने बताया, फिर वो बैठना चलना सीखता है, यह गुणात्मक क्रिया विकास दर्शाते हैं। यानी कि पहले बच्चे ने क्या किया, पहले एक निरंतर यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफिक हो गई कि इस एज में उसने ये चीज़ की। उसके बाद बड़ा होने के बाद जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे वो चलना बैठना ये सब सीख जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है आपको, देखो पहले बच्चा है, धीरे धीरे ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके बाद ये और थोड़ा बड़ा हो गया, फिर एक ये लड़की जो है वो आराम से मतलब खड़ी होने लग गई, उसके बाद फिर ये चलने भी लग गई। तो ये क्या है, ये विकास है। बच्चे का आयु के अनुसार आकार जो है वो बढ़ रहा है यहाँ से। ठीक है, इसमें हमें बताया गया, ऊपर दिया गया चित्र में आप समझ पाएंगे कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था, विद्यालय पूर्व अवस्था तक कैसे उसकी लंबाई वजन बढ़ रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि उसकी लंबाई और वजन भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर कुछ ऐसे डेवलपमेंट भी तो हो रहे हैं ना, कि उसको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ ख़राब है, या फिर क्या चीज़ अच्छी है ना, ये उसको पहचान करनी आ रही है यहाँ से। ठीक है, शारीरिक तौर पर सिर्फ हाथ पैरों और विभिन्न अंगों का बढ़ना बच्चों का आयु के अनुसार आकार दिया गया। यानी कि जिस तरीके से शारीरिक तौर पर हम देख सकते हैं कि उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसका जो वेट है वो भी बढ़ रहा है, तो उसको हम माप सकते हैं, उसको हम देखकर भी पहचान सकते हैं, लेकिन क्या हम विकास को देखकर पहचान सकते हैं? नहीं ना। तो फिर उसके बाद है नेक्स्ट आपका, वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक परिवर्तनों से है जबकि विकास बहुयामी माना जाता है। देखो जो जो यहाँ पे आप पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उनको आप डिफरेंस में लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा, टीचर इसमें एक भी नंबर नहीं काटेगी अगर आप इसको अच्छे से लिखकर आते हैं तो। और किस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो अब इन्होंने बताया है विभिन्न आयाम जैसे कि मानसिक, भावनात्मक, भाषा, सामाजिक, कार्य से सभी से जुड़ा होता है। हम यह कह सकते हैं कि विकास बहुमुखी है, यानी कि विकास के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे अंग हैं विकास के, बहुत सारे आयाम हैं विकास के। जैसे कि मानसिक, मानसिक यानी कि जो हम माइंड से सोचते हैं, भावनात्मक यानी कि हमारे अंदर कुछ इमोशंस भी हैं, यानी कि किस टाइम पे कैसा रिएक्ट हमें करना है, और हम सामाजिक भी होते हैं, यानी कि समाज के अकॉर्डिंगली भी तो एक जो व्यक्ति है वो चलता है। लेकिन बच्चा जो है उसको नहीं समझ होती कि उसे समाज, उसको पता ही नहीं कि समाज क्या है, लेकिन हम सभी हम बड़े हो गए तो हमें पता है कि समाज के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने बताया है समय के साथ साथ शारीरिक संरचना, मनोवैज्ञानिक लक्षणों, व्यवहारों, सोचने के तरीके तथा जीवन की मांग के अनुसार स्वयं को ढालने की सुव्यवस्था पद्धति के रूप में हम विकास को परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि समय के साथ साथ जो हमारे अंदर क्या क्या हो रहे हैं, हम सोचने समझने की शक्ति हमारे पास है, हम नाप तोल सकते हैं कि क्या चीज़ कैसी है, ठीक है, किस परिस्थिति में हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम जब हमारे अंदर आ जाती हैं तो उसको हम विकास कहते हैं कि हाँ इसके अंदर विकास जो है वो विकसित हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बढ़ती आयु के साथ जो भी परिवर्तन होते हैं वह विकासोन्मुख व लंबी अवधि तक चलने वाले होते हैं। विकास क्रमगत लंबी अवधि तक चलने वाले होते हैं, यानी कि जो विकास है वो लंबी अवधि तक चलने वाले होते हैं, ना तो हम उसको कभी नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, और वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाएगी लेकिन विकास जो है वो कभी नहीं रुकेगा। हाँ, उसकी गति जो है वो मंद और तेज़ हो सकती है, यानी कि कभी थोड़ा कम हो जाए, कभी बहुत ज़्यादा हो जाए, कभी मीडियम रहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने बताया है विकास अनुमुख का अर्थ है कि यह परिवर्तन बच्चों को ऐसे कौशल तथा क्षमता हासिल कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे सोचने समझने की शक्ति है उनको जब वो समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, यानी कि उनके अंदर वो शक्तियां आ जाती हैं, तो उसको हम विकास अनुमुख कहते हैं। उसके बाद है क्रमगत का अर्थ क्या है। अब क्रमगत का अर्थ हमें समझना है, विकास एक क्रम में होता है, जैसे चलने की प्रक्रिया में सबसे पहले बच्चा टिक कर बैठना शुरू करता है, यानी कि वो एक उससे बैठता है, फिर वो थोड़ा अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों के यूज़ से जैसे बिल्ली या फिर जो डॉग हैं वो चलते हैं जानवरों की तरह, वो वैसे चलता है। ठीक है, हमने देख रखा है। उसके बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीखता है, वो
ऐसे थोड़ा गिरते हुए, मतलब ऐसा दिखाई देगा कि हाँ वो गिरने वाला है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, जब उसकी एज और उसका टाइम जो है धीरे धीरे जब वो डेवलप होगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। फिर उसके बाद है, फिर बिना सर के, फिर बिना सहारे के बैठना, उसके बाद बच्चा घुटनों के बल चलना और फिर खड़ा होना, और फिर उसके बाद सहारे के साथ खड़ा होना सीखता है, यानी कि हम उसकी उंगली पकड़ते हैं और हम कहते हैं कि चलो, तो वो थोड़ा चल के दिखाता है एंड देन उसके बाद वो अच्छे से चलने लग जाता है जब उसको प्रैक्टिस हो जाती है। तो यही समय के साथ हुआ। फिर है विकास के क्षेत्र। अब हमें समझना है कि विकास के क्षेत्र क्या हैं, तो हम बस यहाँ पर आज की वीडियो में बस यही, यानी कि पार्ट आपका वन हो जाएगा, पार्ट टू में आगे का लाऊंगी। अभी विकास के क्षेत्र के बारे में समझाऊंगी और इसके जो आयाम हैं उनको हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या है विकास के, विकास को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि विकास जो है हमने देखा कि वो बहुआयामी है, बहुमुखी है, तो उसको हम एक उसमें तो नहीं पढ़ सकते। जैसे वृद्धि को हमने समझ लिया, वृद्धि की डेफिनेशन समझी, उसको एक बार समझ लिया, दैट्स इट, वो ख़त्म हो गया। लेकिन विकास जो है उसको हमें समझना अभी बाकी है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको बहुमुखी भी कहा जाता है। शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेदात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास, भाषा संबंधी विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और व्यक्तिगत विकास, ये सभी जो टाइप्स हैं ये हमें समझने हैं। और हो सकता है कि इनमें से किसी दो या तीन में से ये पूछा जाए कि इनमें अंतर स्पष्ट करो, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका विकास के क्षेत्र। अब इसके जो क्षेत्र हैं उनको अच्छे से डिफाइन कब करूँगी, पार्ट टू में करूँगी, यानी कि आपका पार्ट नंबर वन है, मिलेंगे पार्ट टू में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिएगा प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। और बता दूँ, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर क्लास 11th के लिए फिजिकल एजुकेशन कराई जाती है, होम साइंस कराई जाती है एंड मैं हिंदी की वीडियोज़ भी लाऊँगी और आप कहेंगे तो इंग्लिश की भी लाऊँगी, तो आप सभी के कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फटाफट से कमेंट करके मुझे बताना किस किस सब्जेक्ट के आपको वीडियोज़ जो है वो चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।